नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीपीएससी के आर ओ आर ओ परीक्षा के लिए डेली बेसिस पर हिंदी की टारगेटेड वे में तैयारी करते हैं, जो प्री और मेंस दोनों ही लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उस क्रम में आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एसे कोटेशन है जो हम लोग डेली बेसिस पर तैयार करते हुए चलते हैं, ताकि आप लोगों को ऐसे जब आप लोग लिखने बैठें तो आप लोगों को कम से कम कोटेशन के स्तर पर कोई भी कमी ना महसूस हो। इसके अलावा जो विचारों के स्तर पर है तो उसमें हम लोग ऐसे के तमाम सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और उसके जो मॉडल एसेज होते हैं या भूमिकाएं होती हैं वो सभी अवेलेबल कराते रहते हैं समय समय पर। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल देखिए ऐसे कोटेशन जो आज की है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, इधर पृथ्वी पर इतना कुछ है कि वह सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पर इतना नहीं कि वह एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा कर सके। ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो गांधी जी का अगर पर्यावरण पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई कोटेशन है तो वो यही वाला है। पर्यावरण पर सर्वाधिक अक्सर आप देखेंगे कि इसे जो है वो पूछा जाता है, इसे इसका उल्लेख जगह जगह होता रहता है। चाहे वो भारत का जब पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी उस समय में भारत ने जो कमिटमेंट्स किए थे उसमें भी जो सबसे पहली लाइन थी वो भारत सरकार की तरफ से यही वाली दी गई थी, क्योंकि ये गांधी जी का ऐसा कोटेशन है जो कि वैश्विक स्तर पर सर्वमान्य रूप से स्वीकार्य है। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें कि कहना वो क्या चाहते हैं तो वो दरअसल पर्यावरण के लिए कहना चाहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग यूज कहां पर कर सकते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है पर्यावरण पे यूज कर सकते हैं। हैशटैग्स जो लगे हुए हैं उसका मतलब ये कि आप लोग इसको किन किन निबंधों में या फिर आपके जीएस का अगर मेंस का आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप इसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो उसमें देखिए पर्यावरण से जो रिलेटेड टॉपिक है उसमें तो आप लोग यूज कर ही सकते हैं, साथ ही पर्यावरण बनाम विकास इस पे इस स्पेसिफिक टॉपिक पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे विकास और पर्यावरण के मध्य एक द्वंद्व की स्थिति क्रिएट हो जाती है। साथ ही गांधी से रिलेटेड अगर कोई निबंध आए कि गांधी के विचार या गांधी की प्रासंगिकता तो वहां पर भी आप इसको बखूबी कोट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसका मतलब यह है कि देखिए पृथ्वी में इतना सारा संसाधन है, पृथ्वी के पास इतना संसाधन है, पृथ्वी या पर्यावरण के पास इतना कुछ है कि वो हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, परंतु किसी भी एक व्यक्ति के लालच को नहीं पूरा कर सकती, क्योंकि लालच वास्तव में असीमित होता है, असीम होता है। लालच का कोई अंत नहीं है, लालच कितना भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि पृथ्वी जो है सभी की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है पर लालच नहीं पूरा कर सकती, इसलिए लालच से हमें बचना चाहिए। भौतिकतावादी दुनिया में जो आजकल इतना ज़्यादा भौतिक संसाधनों के प्रति लोलुपता बढ़ गई है उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण के साथ साथ हम लोग विकास सुनिश्चित कर सकेंगे। तो ऐसा गांधी जी का मानना है, इसको आप लोग धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं जो भी पर्यावरण से रिलेटेड निबंध आए उसमें। आगे देखते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द। तो शुद्ध अशुद्ध शब्द ये इसमें जो सबसे पहला है हमारा वो है निष्कपटी। तो अब देखिए निष्कपटी जो वर्ड है इसमें देखिए आगे निस लग ही गया है, कपटी कपट आपको पता ही है, कपट वर्ड छल कपट वाला, और उसमें कपटी अगर लगा देते हैं तो मतलब कपट करने वाला। अब उसमें निष्कपट निस जो आगे लग गया तो मतलब कपट ना करने वाला। तो अब निष्कपट अपने आप में एक पर्याप्त वर्ड है, इसमें ई मात्रा जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर ये वर्ड सही है और ये ई की मात्रा यहाँ पर गलत लगा दी गई है, ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पिशाचिनी, एक वर्ड है पिशाचिनी। तो पिशाचिनी में वास्तव में पिशाच मतलब भूत पिशाच वाला पिशाच हो गया, और उससे उसका जो स्त्रीलिंग आप बनाएंगे तो वो पिशाची हो जाएगा, ना कि पिशाचिनी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पिशाची से ही काम चल जा रहा है तो फिर ये नी जो है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो यानी पिशाची वो जो है बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे रहेगी, पिशाचिनी यहाँ का पिशाचिनी का पिशाची हो जाएगा। उसी प्रकार से रेणु, रेणु जो है रेणु ना हो करके इसमें छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, रेणु। जैसे कि आपके एक हिंदी के फेमस कवि हुए फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी एक बहुत ही फेमस कृति हुई मैला आंचल, जो आप में से सभी को पढ़नी चाहिए, इतनी वो बेहतरीन कृति है, इतना बेहतरीन उपन्यास है। तो वो जो मतलब रेणु हैं वो उनका पहले ही उपन्यास था, बल्कि वो पहले ही उपन्यास से वो एकदम लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। उसके बाद उनसे वैसा उतना मतलब सर्वोत्कृष्ट उपन्यास वैसा लिखा ही नहीं जा सका जितना उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिख दिया। खैर जो फणीश्वरनाथ रेणु थे वो वास्तव में रेणु ना होकर के रेणु थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि उसमें छोटे ऊ की मात्रा है।
उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं तद्भव तत्सम में। तद्भव तत्सम में जब हम लोग बात करते हैं, देखिए अदरक, सबसे पहले तो अदरक। अब अदरक में हम लोग देखते हैं कि अदरक का तत्सम क्या होगा। तो अदरक का तत्सम देखिए जैसा वर्ड है, वर्ड से मिलता ही जुलता है कि अदरक का आदरक। ये फोन जरा देख लीजिए, तो अदरक का वर्ड हो गया, अदरक का आदरक हो जाएगा, ठीक है। तो आदरक इससे मिलता जुलता ही आपका अदरक है, आप इससे इसको याद कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए ईख, ईख का हो जाता है इक्षु, ईख का इक्षु। अदरक वाला देखिए आपका पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको इस पर कॉशियस रहना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए देवर, देवर जो है उसका अगर हम लोग तत्सम देखें तो इसका हो जाता है द्विवर, ठीक है। देवर का द्विवर एकदम लगभग मिलता जुलता है, तो देवर जो है वो द्विवर कहा जाता है उसको, तत्सम उसका हो जाएगा द्विवर। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर वाक्यांश के लिए एक शब्दों की बात करें तो उसमें देखिए पक्ष की पहली तिथि, पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं, तो वो प्रतिपदा कहते हैं, ठीक है। प्रतिपदा कहते हैं पक्ष की पहली तिथि, पक्ष मतलब जो 15 दिनों का एक रहता है पाक्षिक, उसको बोलते हैं। तो पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं महीने में, तो उसी में की अगर जो पहली तिथि है उसको प्रतिपदा बोलते हैं, ठीक है। पार उतरने की क्रिया, ये वैसे तो अभी तक ये वाला तो पूछा जा चुका है प्रतिपदा वाला, परंतु ये अभी तक नहीं पूछा गया है। पार उतरने की क्रिया या भाव इसको बोलते हैं उत्तरण, ठीक है। तो उत्तरण को बोलते हैं पार उतरने की क्रिया या भाव, यानी किसी चीज से पार पाना। उसके बाद देखिए युद्ध की इच्छा रखने वाला, अगेन इट हैज बीन आस्क्ड अर्लियर, ओके। सो युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युयुत्सु जो है वो बोलते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाला, ठीक है। एक ये टफ वर्ड है, आपको इसको जरूर से याद करना है, जबकि ये चूंकि पूछा भी जा चुका है तो इसके फिर से पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि जो आरओ एआरओ परीक्षा होती है या यूपीपीसीएस की परीक्षा होती है, इसमें रिपीटेड प्रश्नों का एक अच्छा खासा वेटेज हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको युयुत्सु का मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारा शब्द विलोम है। तो विलोम शब्द में सबसे पहला जो है हमारा वर्ड वो है कुसुम। कुसुम का मतलब फूल आपको पता है, और उसका उल्टा जो है वो पत्थर, पाहन। अक्सर जो गाने वाने बनते हैं बॉलीवुड के, उसमें ये रहता ही है कि फूल पत्थर ऐसे कुछ, जो है मैंने फूल मांगे थे तुमने मुझे पत्थर दिया, तो इस टाइप से रहता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कुसुम, कुसुम का विलोम हो जाएगा पाहन, यानी फूल का विलोम पत्थर, इस टाइप से इसमें आप इसको याद कर सकते हैं। प्रयास का विलोम हो जाएगा विपर्यास, ठीक है। प्रयास विपर्यास, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनमें आप अ या वी लगा के उसका विलोम बना सकते हैं, ये भी उन्हीं में से एक वर्ड है। उसके बाद देखिए ध्वंस, ध्वंस का हो जाएगा निर्माण। तो ध्वंस मतलब विध्वंस हो जाना, कोई भी चीज समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, तो उसका आप निर्माण जो है उसका राइट जो एंटोनिम होगा वो ये होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके जो पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला है केला। केला को कदली भी बोलते हैं, केला को कदली भी बोलते हैं। आप छठ पूजा में अगर आप गाने सुनते हो तो उसमें कदली वर्ड का बहुत यूज आता है, तो केला कदली होता है। उसके साथ साथ इसको रंभा और मोचा भी बोलते हैं, ये आपके लिए नए वर्ड्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। केला का कदली, रंभा, मोचा, हालांकि ये अभी तक आया तो नहीं है पर नया वर्ड है, आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे फलों का पहले पूछा जा चुका है पर्यायवाची, तो उस क्रम में आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो कदली है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए सिंह, ये इतनी बार पूछा गया है कि इसका गिना नहीं जा सकता है कि कितनी बार, काफ़ी बार पूछा जा चुका है सिंह का। तो सिंह का देखिए मृगारी, मृगारी, मृगराज, मृगेंद्र, तो यानी ये तीनों तो आप एक साथ रख लीजिए, मृगारी, मृगराज, मृगेंद्र। अब देखिए केसी और केसरी, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, केसी और केसरी। उसी प्रकार देखिए केसरी और केहरी, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, केसी और केसी और केसरी को एक साथ रख लीजिए, और केसरी और केहरी को एक साथ रख लीजिए। उसी के साथ देखिए नाहर और नखायुध, यानी जिसके नाखून ही आयुध हों, हथियार हों, तो वो नाहर और नखायुध। शार्दूल देखिए, अभी मैं आपको जो प्रश्न उत्तर करा रहा था हिंदी का, उसमें भी ये चीज आया था, शार्दूल जो है वो सिंह का पर्यायवाची है। पंचानन, पंचानन या ये पचानन यहाँ पे आपको दिख रहा है, परंतु ये पंचानन है,
ठीक है, यानी पांचमुख, पंचानन पांचमुख वाला, तो पंचानन या पंचमुख बोलते हैं, पंचमुख भी सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये सारे सिंह के पर्यायवाची हैं, आप इनको एक दूसरे से जोड़कर आसानी से याद कर सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंह का पर्यायवाची बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको किसी भी कीमत में आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगला देखते हैं, तो घड़ा, घड़ा जो है वो आपका, घड़ा का कलश होता है सबको ही पता है, कुंभ, कुंभ भी बोलते हैं घड़े को ही, कबीर का दोहा है इस टाइप से कि जल भीतर कुंभ कुंभ ही समाना, ऐसे करके कुछ है। तो कुंभ जो है वो भी आप घड़े को ही बोलते हैं, घट, घट से भी घड़ा बनता है। तो यानी कि घट, कुंभ और कलश, ये तीनों घड़ा के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद हम लोग आते हैं जो मेंस का हमारा सेक्शन है उसमें प्रशासनिक शब्दावली पर। तो प्रशासनिक शब्दावली में देखें जो सबसे पहला शब्द है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी आप देखेंगे कि कई सारी सरकारी संस्थानों के आगे लिखा रहता है अथॉरिटी, तो अथॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं प्राधिकरण, ठीक है, जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर जगह का रहता है, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ LDA हो जाता है वो, तो वैसे ही अथॉरिटी का मतलब हो गया प्राधिकरण। ये आपको याद रखना है, अब इसमें अधिकरण भी ना लिख दीजिएगा, मतलब ये है कि अगर प्राधिकरण है तो वही लिखना है। इसमें अगर आपने ये धीप में बड़े ई की मात्रा भी बना दी ना तो भी आपके नंबर गए 2 नंबर। तो यहाँ पर ये महत्व होता है आपका RO-ARO की मेंस परीक्षा में, आपकी हिंदी बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, उसकी तैयारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अबेटमेंट, अबेटमेंट होता है कमी या कटौती। ये एक नया वर्ड है, आप लोगों को इसको देखना ही देखना है, याद करना ही है, क्योंकि ये पहले भी एक बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आरओ की ही परीक्षा में शायद ये पूछा गया है, और हमारे ख्याल से अगर हम गलत नहीं है 2016-16 की परीक्षा में, सॉरी 2014 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा गया। अबेटमेंट का मतलब कमी या कटौती, ठीक है। उसके बाद देखिए अप टू डेट, अप टू डेट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, अप टू डेट करंट अफेयर्स, तो यानी अद्यतन समसामयिकी ऐसे करके लिखा रहता है। तो अप टू डेट, अद्यतन, ज़्यादातर लोगों को ये पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारा जो लास्ट सेक्शन की मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ में देखें तो जो हमारा ये सबसे पहला है वो है सांप, सांप छछुंदर की दशा। सांप छछुंदर की दशा मतलब असमंजस की स्थिति, सांप छछुंदर की दशा मतलब असमंजस की स्थिति, जब समझ में ना आ रहा हो कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो वैसी स्थिति को सांप छछुंदर की दशा बोलते हैं, मतलब कोई डिसिसिव स्थिति ना हो उसको। उसके बाद देखिए बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना बोलते हैं जिम्मेदारी लेना, बीड़ा उठाना का मतलब जिम्मेदारी लेना, कि जैसे हमने उसकी शादी करवाने का बीड़ा उठाया तो मतलब जिम्मेदारी लेना, या दृढ़ संकल्प करना या दृढ़ संकल्पित होना, तो मतलब बहुत फर्म डिटर्मिनेशन होना। फिर जिन खोजा तिन पाइया गहने पानी पैठ, ये भी आपका पूछा जा चुका है, इसका भी मतलब जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा वो पा सके, गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में उतर करके जो खोजते हैं वो पा लेते हैं, तो यानी कठिन परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है, ये इसका मतलब है। तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जीवन का सत्य है इसमें। और ये रहा आपका आज का मुहावरे लोकोक्तियाँ, और साथ में आपने प्रशासनिक शब्दावली भी देखी कि अथॉरिटी प्राधिकरण, और आपका जो अबेटमेंट कमी या कटौती, अप टू डेट अद्यतन। तो इस तरीके से आपका जो आज का डेली आरओ हिंदी वाला PDF सेशन है वो आज का समाप्त होता है, और जल्दी हम लोग कल मिल रहे होंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।